किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं। खेती किसानी में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं इसकी बातें आपको बताते हैं, ताकि ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो क्या कुछ खास है आज के हमारे इस एपिसोड में, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के कार्यक्रम की। कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से क्या कुछ खास जानकारी आज कृषि जगत के बारे में हमें मिल रही है, खेती किसानी के संदर्भ में हमें मिल रही है, आइए दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों, आज हम ODOP के बारे में चर्चा करेंगे। ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या फिर उसे एक जिला एक उत्पाद भी कहते हैं। यह किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में ODOP सबसे पहले शुरुआत किया था, फिर पूरे भारतवर्ष में इसको रेप्लिकेट कर दिया गया है, सभी उसकी अपार सफलता को देखते हुए। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो DPIT विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, वह इस कार्य को देखता है, इसको बढ़ावा देता है। और इस में ODOP को ही बढ़ावा दिया जाता है। उस जिले का एक उत्पाद जो होता है, फेमस होता है, जो वहाँ पे होता है, कुछ परिवार उसको करते हैं, काफ़ी अच्छा तरह से होता है। इसमें उस जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाते हैं, जिसमें कि वह अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करके उसका उत्पाद को ब्रांडिंग करके बेच सकता है। इसके अलावा उसको मार्केटिंग के लिए मदद दिया जाता है, और एक्सपोर्ट के लिए भी मदद दिया जाता है, या फिर कोई स्कीम के साथ सब्सिडी वगैरह है तो उसको भी सब्सिडी भी मिलती है उसमें। यह योजना विभिन्न मंत्रालय जैसे कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, MoPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या फिर APIDA है, या इस सारी मिनिस्ट्री मिलकर कर रही है, यहाँ तक कि रेलवे भी कर रहा है। रेलवे में आपने देखा होगा ब्रांडिंग वगैरह रहता है, ट्रेनों में ODOP लिखा रहता है, या फिर एक जिला एक उत्पाद के बूथ भी बनाए गए हैं कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर, उसको मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत जो MoPI की स्कीम है, PMFME प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज स्कीम, इसके अंतर्गत काफ़ी लोगों ने ODOP के अंतर्गत फ़ायदा उठाया है और अपनी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की है। इसके अंदर 35% सब्सिडी तक मिल जाती है किसान भाइयों। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जहाँ तक सवाल है, तो वहाँ के लिए ODOP बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा किसान भाइयों कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट या कुछ ना कुछ उनका फेमस रहता है। और वहाँ का फ़ायदा ये है कि वहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री लगाया जाना थोड़ा, क्योंकि भौगोलिक वहाँ की क्षमताएँ थोड़ी अलग तरह की होती हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है, छोटे कुटीर उद्योग आसानी से लग जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का यह होता है किसान भाइयों कि वहाँ पर जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है वहाँ से। और GI टैग भी ODOP प्रोडक्ट्स को कुछ को मिल गया है, और कुछ के लिए प्रयास जारी हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग ODOP प्रोडक्ट्स का और इस स्कीम का लाभ उठावें। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है सम्मेलन से प्रगति की ओर का। बजट 2024 को लेकर के केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान और गरीब की तकदीर और ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला बजट है ये। इसमें किसान के लिए और ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अकेले कृषि विभाग को 1,52,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, और इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी 1,66,000 करोड़ की अलग है, उसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। इस बजट से एक तरफ किस उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि फल, सब्जी और अनाज की बीजों की 109 नई किस्में विकसित करके लॉन्च की जाएगी, किसान को दी जाएगी, जिसका लाभ उत्पादन बढ़ाने में मिलेगा। ये जलवायु अनुकूल भी होंगे, उसके साथ साथ उत्पादन की लागत घटाने के लिए क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज का कर्जा हो, या फिर MSP पर खरीदी हो। MSP पर खरीदी भी
उसका आधार वैज्ञानिक लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो घोषित की गई है। दलहन और तिलहन में हम कैसे आत्मनिर्भर बने और किसान को फायदा कैसे हो, उसके लिए दलहन और तिलहन के मिशन लॉन्च किए जाएंगे, उसका इस बजट में प्रावधान है। और एक और क्रांतिकारी प्रावधान है प्राकृतिक खेती। केवल आज का नहीं, भविष्य का विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के मिशन पर जोर दिया है। केमिकल फर्टिलाइजर से रहित खेती किसान करेंगे, उसके लिए उनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, जागरण और बाद में उनको सहयोग, जरूरत पड़े तो सब्सिडी, और उसके साथ साथ उनके उत्पादन की के प्रमाणीकरण की व्यवस्था और मार्केटिंग की व्यवस्था ये भी की गई है। ग्रामीण विकास के लिए और गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है। मनरेगा में 86,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो रोजगार भी देगा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम भी होगा, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, गांव में गरीबों के घर बनाए जाएंगे 2 करोड़ और 3 करोड़ दीदी लखपति बनाई जाएगी आजीविका मिशन के माध्यम से। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का भी प्रशिक्षण देकर और फिर रोजगार से लगाने का काम भी इस बजट के माध्यम से होगा। अब कार्यक्रम में वक्त है सेगमेंट विज्ञान और किसान पर नजर डालने का। मुर्गियों की तरह बतखें भी आमतौर पर अंडे और मांस के लिए पाली जाती हैं। हालांकि इनका मांस और अंडा मुर्गी के मुकाबले महंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बतख पाल कर भी इंसान काफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बल्कि कुछ पालकों का तो यहाँ तक कहना है कि बतख मुर्गियों से ज्यादा आय देने वाला पक्षी है, इसे पालने में कोई खास परेशानी नहीं होती। हालांकि ये जलीय पक्षी माना जाता है, इसके बावजूद आप इसे जमीन पर भी पाल सकते हैं। बतखों के खान पान पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे रहने के लिए एक शेड होना चाहिए। शेड में हल्की धूप और हवा का इंतजाम जरूर हो। शेड के आसपास तालाब या फिर धान का खेत हो तो ज्यादा बेहतर है। बतख शांत पक्षी है, इसे रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा शोर ना होता हो। जहां तक आहार की बात है तो बतखों को सूखा खाना खिलाना ठीक नहीं है, इस तरह का आहार उनके गले में फंस जाता है। ये रेशेदार खाना और पानी में रहना अधिक पसंद करती है। जहाँ तक आहार का सवाल है तो रसोई का कचरा, चावल, मक्का, चोकर और घोंघे वगैरह इन्हें काफी पसंद है। अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भर लेती हैं, इसलिए खाने पीने में ज्यादा खर्च नहीं आ पाता। मुर्गी के मुकाबले बतख कम बीमार पड़ती हैं और इनकी अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है। अच्छी नस्ल की बतख साल भर में 300 से भी अधिक अंडे दे सकती है और ये दूसरे तीसरे साल तक भी अंडे दे सकती है। मछली के साथ बतख पालन और भी फायदे का सौदा है, क्योंकि बतखें खतरनाक परभक्षियों को खा जाती हैं, जिससे छोटी छोटी मछलियां सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा बतखों के आहार में प्रोटीन की जरूरत कम रह जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बतखों को तालाब में छोड़ दिया जाता है और जो बीट वो पानी में छोड़ती हैं वो मछलियों के लिए शानदार आहार का काम करती हैं। रात के समय भी जब बतखों को शेड में रखते हैं तो सुबह उनकी बीटों को तालाब में छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि एक बतख रोजाना 125 से 150 ग्राम तक अपशिष्ट निकालती है। साथ ही बतख का मांस और अंडा इंसानों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट AI कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में।
यहाँ हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक नहीं है? ए फर्टिगेशन विद यूरिया, बी शाकनाशी का उपयोग, सी कीटनाशक का उपयोग, डी रसायनों से बीजोपचार। सही जवाब है ऑप्शन ए फर्टिगेशन विद यूरिया। जैविक खेती में प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए फर्टिगेशन विद यूरिया का उपयोग आवश्यक नहीं है और वास्तव में यह अनुमति नहीं होती। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और स्वस्थ उत्पादों का उत्पादन करना है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के जो अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसान हैं उनसे मिलवाते हैं, ताकि आप उनकी दास्तान को जानकर उनसे प्रेरित हो सके। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन है। किसान अगर ऐसा कर पाते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से सफल तो बनाया ही जा सकता है, किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हमारे देश के कई किसान भाई हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती कर रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान की, राव परिवार की, जो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके पिता पारंपरिक खेती किया करते थे, बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती करने लगे, लेकिन रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक खेती इनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर इन्होंने पाया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अभी के समय में सबसे अच्छा और लाभदायक खेती में किया जाने वाला अभ्यास है। वे अलग अलग फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों के साथ साथ गौ पालन भी करने लगे, जिससे इन्होंने अलग व्यवसाय भी किया। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने ना सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल किया, बल्कि लागत में भी कमी आई और आमदनी भी बढ़ गई। पवार ने अन्य किसान भाइयों को भी रासायनिक खेती छोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम काफी किसान भाइयों को बोले कि आप ये टाइप की जमीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है, ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो जमीन खराब हो जाती है,
इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रिय तीनों मिला के ऐसे रेखा स्थिति हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी और हमारा जो नफा है, फायदा है, तो उसको बढ़ावा मिले। अभी जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगे तो हमारा अभी कार्बन 0.5-0.6 के करीब आ गया और उत्पादन में भी बढ़ाव हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एकात्मिक खेती पद्धत में क्रॉप रोटेशन हमेशा हम लेते हैं। क्रॉप रोटेशन लेने से क्या होता है, एक फसल की निविष्ठा जो होती है, जो शेष भाग रहते हैं दूसरे फसल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर कम कॉस्ट में हम अलग जो नेक्स्ट फसल है वो हम लेने लगे। खाली प्लेन खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा, हम इसको जो पूरक व्यवसाय है वो व्यवसाय भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गोपालन हो, जैसे कि शेली मेंढी पालन हो, और दूसरे जो है दलहन तिलहन की क्रॉप लेने लगे, ताकि हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में हम कुछ सब्जियां लेने लगे, ओनियन का और तृणधान्य, कड़धान्य। ये टाइम तो पीएम साहब ने बोला ये कड़धान्य तृणधान्य का ईयर है, उसमें तो हम पहले से ही समाविष्ट है, लेकिन वो ज़ोर से करने लगे। तो इसके ये सब जोड़ धंधे और अलग अलग पिक करने से एक फसल में कम ज़्यादा हो गया तो अनाज जो दूसरा फसल है वो उसको कवर कर लेता है। ये सिस्टम से हम जब खेती करने लगे तो फिर वो सिस्टम में जैसा गोपालन है, इसके वास्ते हमको चारा पिक लेना पड़ा, फिर उसमें नेपियर ले लिया, कोई लूसन घास ले लिया, और जो हमारा जो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का जो ट्रैश होता है यानी जो पत्ते होते हैं वो भूसा, जो हम चना लेते हैं चना का भूसा वो काऊ के लिए डालते हैं, फिर उससे गोबर भी मिलता है, स्लरी भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो एनपीके के वो भी कम होती है, और दूध बेच के पैसा भी मिलता है, हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर चल सकता है। तो हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने में जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद जब वापसा में आती है तब थोड़ा वीड आता है ऊपर, तो हम जब सिर्फ गन्ने में डालते हैं, जैसा कि लेबर लोग, औरतें लोग जो वीडिंग करते हैं, इसके बगैर हम हमारे सिप से वीडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़ा फायदा है। मलमूत्र भी अंदर ज़मीन में जाता है, वीडिंग का भी काम होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ड्रिप को सब्सिडी देती है, गोडाउन को सब्सिडी देती है, और रासायनिक खतों को सब्सिडी देती है, सभी के लिए हेल्प करती है, बैंक मदद करती है, वो हेल्प से इतना काम हम कर सकते हैं। तो हमारा युवा पीढ़ी के दूसरे जगह कम दामत के लिए भागने के बगैर खुद के प्रॉपर्टी में काम करे, तो आपको जो बाहर जाने के बगैर अपने खेती पे अच्छे दिन आ सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूं एआई कृष, और आज हम असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां धान की पौध खराब हो गई हो, वहां के किसान अनुकूल मौसम को देखते हुए मध्य अवधि वाली उन्नत किस्म की धान बोएं। असम के ऊपरी हिस्सों में बारिश के फालतू पानी को निकालने के लिए पर्याप्त ढलान होनी चाहिए, ताकि बीजों को डूबने से बचाया जा सके। ज़रूरत से ज़्यादा पानी जमा होने से बीज उगेंगे नहीं, बल्कि खराब हो जाएंगे। असम के जिन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, वहां के किसान बुवाई के 25 दिन बाद साली धान की रोपाई करें। यहां के किसानों के लिए मध्य और कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई करना ठीक रहेगा। नागालैंड के निचले हिस्सों में धान की रोपाई जारी रखें,
वहीं मिजोरम में अरहर की बुवाई करते रहें, साथ ही त्रिपुरा के किसान अमन धान की रोपाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के किसान को सलाह है कि मिर्च के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के ही पुराने जलोढ़ इलाके में धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान जूट के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। बिहार की बात करें तो यहाँ के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में 20 से 25 दिन पहले बोई गई धान की रोपाई जारी रखें। केले के स्वस्थ अंकुरित पौधों की रोपाई भी करते रहें। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में साफ मौसम के दौरान अरहर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। अब कार्यक्रम में वक्त है रुख करने का हमारी एआई एंकर भूमि का। आइए जानते हैं क्या कुछ खास जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको इस बजट के 10 महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे जो हमारे देश के विकास की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि विकसित भारत के लिए कृषि में उत्पादकता और जलवायु के अनुकूल किस्मों का विकास बेहद जरूरी है। इसके तहत 32 कृषि और 109 बागवानी की नई किस्में जारी की जाएंगी जो किसानों की आय बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेंगी। बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद देने का भी वादा किया गया है, जिससे किसान अधिक स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल खेती कर सकें। FPO, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की भी योजना है, जिससे छोटे और मध्यम किसान संगठित होकर अपनी पैदावार और आय बढ़ा सकें। झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 5 राज्यों में जनसमर्थ किसान क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जिससे किसानों को उनकी जरूरत के समय पर आसानी से ऋण मिल सके। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत PM ग्राम सड़क योजना का 4th चरण शुरू होगा, जिससे 25,000 गांवों तक नई सड़कें बनाई जाएंगी। 3 वर्षों के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। इस साल DPI की मदद से 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी और 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। युवाओं के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी क्षेत्र में सरकार का प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौतरफा विकास पर जोर है, जिसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, जिससे 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। अंत में MSME को आवधिक ऋण देने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी। ये सभी प्रावधान हमारे देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं और हमें उम्मीद है कि इनसे हमारे किसानों, युवाओं और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।
तो ये था आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।